दोस्तों, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं कि क्रिकेटर बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आता ही होगा कि क्रिकेटर बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े क्रिकेटरों को देखा होगा कि वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और एक बात आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो भी इंटरव्यू और ऑडिशन होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं और मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या हम बिना क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किए हुए क्रिकेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है कि बिना स्कूल गए कोई कैसे एग्जाम में पास हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको एकेडमी ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ पर सीखने की जरूरत होती है, आपको अपने टैलेंट पर वर्क करने की जरूरत होती है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ही जल्द मैं इस पे एक वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार की एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कौन कौन सी बातों के ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्रिकेटर बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है और अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो क्या आप क्रिकेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्रिकेट में टैलेंट देखा जाता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्रिकेट और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे पांचवी फेल हो या ग्रेजुएट हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे भाषा में बोले तो क्रिकेट में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, वहाँ पे आपका टैलेंट और एज देखा जाता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि आपको क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और मैंने उसमें ये बात भी बताया था कि क्रिकेटर बनने में आपको 10th क्लास का मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ उम्र को प्रमाणित करने के लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि आप 10th फेल हो या पास हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि क्रिकेटर बनने के लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है, क्योंकि नीचे के क्रिकेट में ये मैटर नहीं करता है कि आपको इंग्लिश बोलना आता है या नहीं। वो आगे चल करके BCCI खुद आपको इंग्लिश की कोचिंग प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों, वो ऐसी सुविधा को उपलब्ध कराते हैं जो कि आपको महीने दो महीने के अंदर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाता है। और यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल पाते हैं। और दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।